हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं। वेरी गुड। आइए, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे टाइम। क्या सीखेंगे? टाइम। टाइम यानी समय। टाइम को हिंदी में क्या बोलेंगे? समय। क्लियर है? अब देखिए, अब हम टाइम में सीखेंगे 60 seconds इक्वल 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड। फिर अगला आता है 60 मिनट्स इक्वल 1 आवर्स, यानी 60 मिनट इक्वल क्या होगा? 1 आवर्स, यानी 1 आवर्स में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 आवर्स 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट। क्लियर है? अगला आपका है 24 आवर्स इक्वल 1 डे। 1 डे 1 दिन में, 1 दिन में कितने आवर्स यानी कितने घंटे? 24 आवर्स यानी 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे। 7 डेज इक्वल 1 वीक, यानी 1 वीक में कितने डे होते हैं? 7। वीक सप्ताह, यानी 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर आपका है 30 या 31 डेज इक्वल 1 मंथ, यानी 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31। क्लियर है? एक मंथ ऐसा है फेब्रुवरी, जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। बाकी जितने भी डे होंगे, जितने भी मंथ होंगे वो 30 या 31। जैसे आप लोग जान भी सकते हैं, एग्जाम में पूछता भी है, जैसे फेब्रुवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं। इसके लिए एक हिंदी में कविता है, 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, 28 दिन की बनी फरवरी, शेष माह 31। क्लियर है? 4 मंथ यानी 4 माह कौन कौन से? अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, ये कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। और फरवरी 28 दिन की, बाकी जितने भी मंथ हैं, जितने भी महीने हैं, क्या हैं? 31 डेज यानी 31 दिन के होते हैं। क्लियर है? फिर देखिए 12 मंथ्स इक्वल 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल में कितने मंथ यानी कितने महीने? 12 महीने, यानी 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स, 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स या 12 मंथ्स इक्वल 1 ईयर। फिर आपका है 365 या 366 डेज इक्वल 1 ईयर, यानी 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 या 366। 52 वीक्स इक्वल 1 ईयर, यानी 1 ईयर में कितने वीक? 52, यानी 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। क्लियर है? फिर आपका है 100 ईयर्स इक्वल 1 सेंचुरी, यानी 100 ईयर इक्वल क्या होता है? 1 सेंचुरी, 1 जिसे कहते हैं 1 शताब्दी। क्लियर है? और देखिए टाइम में इतना आप लर्न कीजिए, क्या लर्न करेंगे? 60 सेकंड इक्वल 1 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल 1 आवर्स, 24 आवर्स इक्वल 1 डे, 7 डेज इक्वल 1 वीक, 30 या 31 डेज इक्वल 1 मंथ, 12 मंथ्स इक्वल 1 ईयर, 365 या
366 days equal 1 year, 52 weeks equal 1 year, 100 years equal 1 century. क्लियर है? इसको आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा या आप लोग जानेंगे हम जो है डेज को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अगले वीडियो में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के